बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं हैं अल्लाह आपको खुशियाँ दे, सलामती दे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और भलाई का फरमाए, अल्लाह राजी हो। आप दुआ भी करो, सलाम भी करो, दुआ भी करो, दुआ। अल्लाह इन्हें खुशी दे, सलामती दे, अल्लाह राजी हो। कोई गम ना हो, कोई गम ना हो, कोई परेशानी ना, खुश रहे, सलामत रहे, आबाद रहे, आबाद रहे, ठीक है। अल्लाह उन्हें खुशियाँ दे, खुशियाँ दे, कोई गम ना, ऐसे जो परेशानी है ना, अल्लाह सब दूर कर दे, सब दूर कर दे। अल्लाह ताला कोई इनको गम ना दे, खुशी और सलामती दे, अल्लाह राजी हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप दुआ करो जो जिनके यहाँ औलाद नहीं है ना, ठीक है, अल्लाह उन्हें औलाद अता फरमाए, औलाद अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ पे आमीन कहते हैं, आमीन आमीन कहते, सेहत वाली हो, तंदुरुस्ती वाली हो, ठीक है, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप दुआ करो जो ऐसे जा चुके हैं ना, फौत हो गए, अल्लाह के यहाँ प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनको ना जन्नत में जगह दे, जन्नत में जगह दे, जन्नत में, ठीक है। और जो उनके पीछे वारिस है ना, अल्लाह उन्हें प्यार दे, सबर दे, सलामत दे, साबित कदमी दे, अल्लाह उन्हें खुशी दे, सबर दे, ठीक है, कोई परेशानी ना हो उनको। अल्लाह ताला खुशी दे, सलामती दे, अल्लाह ताला मोहब्बत करने वाला, अल्लाह अपने बंदों से बड़ी प्यार करता, बड़ा प्यार करता, मोहब्बत करता है, ठीक है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से मस्जिद का काम जारी है, काम हो रहा है जी, सामने आपके लगे हुए हैं जी मजदूर। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह की रहमत से, अल्हम्दुलिल्लाह। आज इसका बेड मुकम्मल तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, आज मुकम्मल तैयार हो जाएगा अल्लाह की रहमत से। और ये रेत ही पड़ी है, सीमेंट बजरी, ठीक है जी, अल्लाह ताला बेहतरीन अता फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। काम जारी है जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसा है, ठीक हो? ठीक हो। अच्छा जी, ना ये अपना बताएं शकील साहब, अपना ये जो मस्जिद की रेत आई है, कितनी ट्रालियाँ आई हैं पहले? पहले ट्रालियाँ तकरीबन दो आ चुकी हैं। दो आ चुकी हैं, तीसरी अब आनी है, तीसरी अब आनी है, ठीक है जी। जनाब इनका शुक्रिया, ये साथ दे रहे हैं भाई, अपना रोड़े की अपना कटाई हो रही, दमसा लगाया जा रहा है मस्जिद के अंदर, तो लग चुका है, बाकी जो है ना लगाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज बाकी जो मज़दूर हैं इंशाल्लाह वो आने वाले हैं, क्योंकि दरअसल हमें ट्राली जो है ना रेत की मंगवानी थी, तो रेत की सूरत हाल के हवाले से परेशान थे हम, तो ट्राली रेत की नहीं मिल रही थी, दरिया में पानी आ गया है, तो उस वजह से जिनसे हम मंगवाते थे और कुछ लोगों से भी कहा तो उन्होंने मना किया, फिर एक और जगह हमें इतला मिली है, हालांकि वो जहाँ दरिया से उठाते थे ये करीब था, दरिया करीब था, लेकिन दूसरी जगह से जहाँ से लेने गए, ख़ुद भराई करवाने गए, तो ट्रैक्टर ट्राली वाले को हमने बोला था यहाँ मकामी, तो उनको कहा था हमें ये जनाब आप अपना रेत की ट्राली भरवा के दे दें, तो मज़दूरों को जो है ना मैंने ट्राली वाले के साथ भेजा है, क्योंकि उनके पास बंदे नहीं थे, और जिस जगह से भराई करानी थी वो ज़रा जगह दूर है, क्योंकि दरिया वाली जो थी वो करीब थी, दरिया वाली करीब थी, दरिया वाली करीब थी, इसलिए कि वो वहाँ पे जो है ना दरिया के ऊपर जो है ना इसमें पानी आ गया है थोड़ा थोड़ा, जिस जगह से भराई करानी थी उस जगह पे पानी आ गया है, तो उस वजह से जो है अपना फिर हमने अपने मज़दूरों को भेजा है, हालांकि ये दरिया से दूर है काफ़ी, ख़र्चा इसका ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन क्या है मजबूरी, हमने काम को नहीं रोकना, क्योंकि भराई वालों ने आना है, उन्होंने आके काम करना है, जिस वजह से जो है ना हमें मसला बनता है। इस वजह से मैंने मस्जिद के मज़दूरों को और ट्रैक्टर ट्राली यहाँ मकामी वाले को बोल के मैंने कि जाके एक ट्राली भरवा के ले आए, जो भी खर्चा आएगा कोई नहीं, हमने मस्जिद का काम है, लगे घर का इसको रोकना नहीं है। माशाल्लाह जी, रोड़े की तराई जा रही है और कुटाई भी जा रही है साथ साथ, अभी थोड़ा सा वफा किया, बंदे मज़दूर आएंगे इंशाल्लाह, काम शुरू हो जाएगा अल्लाह के फजल से। बाकी मिस्त्री साहब और एक मज़दूर ये धारे बना रहे हैं, जो काम रहता है इसकी डिज़ाइन का ऊपर, वो देखिए धारे बन चुकी हैं, मज़ीद जो है ना जो रहता है उसको भी करेंगे, और ये कर रहे हैं इसका ये कोना बना रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है जी। जैसे जैसे काम जारी है हम आपको दिखा रहे हैं, दुआ करें कि अल्लाह ताला इस काम को मुकम्मल करा दे, अपने फजल से अपनी रहमत से ये काम मुकम्मल हो जाए इंशाल्लाह। ये देखें जी, हमारे इलाके में गंदम की कटाई शुरू हो गई है, ये गंदम जो कटाई हो रही है मेरे घर के बाहर है, मेरे घर के बाहर वाली सामने वाली ये कटाई हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इधर बैठा हूँ मस्जिद के पास, यहाँ पर काम हो रहा है मस्जिद का, वो सामने देखें, मैं इधर बैठा हूँ मस्जिद का काम हो रहा है। ये जनाब हार्डवेस्टर लगी है हमारे घर के बाहर वाली, जो गंदम कटाई हो रही ना उसके, ठीक है जी, ये हमारे घर के बाहर मेरा ये वर्कर खड़ा है सैंकड़ी के ऊपर माशाल्लाह, तो देखें, और ये मशीन लगी हुई है,
और इधर मैं मस्जिद के पास बैठा हूँ, मस्जिद का काम हो जा रही है। अल्लाह ताला बरकत दे, आसानी तो फरमाए मस्जिद के लिए। और जो गंदम के मालिक हैं वो सामने ये कर रहे हैं, बहुत सामने, क्योंकि जी ये गंदम के मालिक हैं, वो अपनी गंदम की निगरानी करवा रहे हैं। और वहाँ आपको ये सफ़ेद सफ़ेद थोड़ा सा आपको कुछ नज़र आ रही है, सफ़ेद सफ़ेद, ठीक है जी। तो ये आगे वो भाई इसकी गंदम है, ठीक है जी। और वो इनके साथ वो मुलाजम कर रहा है, वो सामने आगे करके इसके हवेली के पास, ठीक है जी। तो ये अपनी निगरानी कर रहा है गंदम की, और इसकी वो मशीन चल रही है। आपके सामने गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है, और हम गंदम भी खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन दुआ करें अल्लाह ताला हालात बेहतर करे, क्योंकि मेरी घर की जो गंदम की ज़रूरत है वो तकरीबन इस दफ़ा 70 मन तक ज़रूरत होगी, 70 मन 80 मन तक भी जा सकती है, लेकिन 70 मन का कन्फर्म ज़रूरत है मेरे घर की सालाना। अल्लाह बेहतर करे, दुआ करें अल्लाह ताला इसका इंतज़ाम कर दे। ये जनाब प्लाट मुकम्मल कटाई करवा लिया है उस बंदे ने जो सामने, अब इसकी अगले प्लाट में दाखिला हो रहा है। ऊपर ये बिजली की तारे भी है, अल्लाह खैर करे, ऊपर 11 kV की तारे भी हैं। अगर वहाँ से गाड़ी चढ़ भी नहीं रही, वो वहाँ से चढ़ भी नहीं रही, वो चढ़ गई, चढ़ गई, चढ़ गई, ठीक है जी, वो चढ़ भी गई माशाल्लाह। और ये सफ़ेद सफ़ेद जो आपको नजर आ रहा है, ये तार भी छाया पड़ा है, और उसकी जमन वहाँ डलवानी है। ये उसके मालिक पर है, जमन का सफ़ेद कपड़ों वाला जो है उसकी जमन का मालिक है, ठीक है जी। और उसकी जो मशीन लगवाई है और ये कटाई हो रही है, और वो लोग बाकी अमला जो साफ कर रहा है, इस मशीन का अमला है, और एक बंदे इसके मालिक के जमन मालिक हैं। और बाकी हमारा ये काम मस्जिद का जारी है, मजदूर वो लगा हुआ है, मिस्त्री जो है साथ उधारे बना रहा है, तो उसके डिजाइन वगैरह की सेटिंग जारी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। ये वो मशीन जो है ना गंदम निकाल रही है बाहर, ये देखे ये गंदम निकाल रही है बाहर, पैंप के जरिए प्रेशर के साथ जो उसके कप के अंदर जो उसका हिस्सा है जिसमें जमा हुई थी वो निकाल रही है। सारे उस प्लाट की है, यही वाला जो प्लाट तो मेरे घर के पास से है, आज मेरे घर के सामने से कटाई हो गया है, ये सामने जो देख रहे हैं, ठीक है जी, ये कटाई हो गया प्लाट। और साथ इसमें थोड़ी सी कटाई हुई है ये मस्जिद के साथ वाले से, अब वो निकाल रहे हैं बाहर फेंक रही है गंदम, आपके सामने ये देखे माशाल्लाह जी। पहली दफ़ा ये हमारे इलाके में, यानी कि ये शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है जो हमारे अपने घर के पास, ये देखेंगे। और ये मशीन निकाल के बाहर फेंक रही है, बाहर निकाल रही है गंदम को, ठीक है जी। और इस तरफ मजदूर मिस्त्री काम कर रहे हैं मस्जिद का, मस्जिद का वहाँ काम हो रहा है। और ट्राली ईटों की आज अपना सॉरी रेत की आ चुकी है, और ये जो ईटें देख रहे हैं इन घर वालों की है, इनके घर ये ज़र तमीर है साथ वाला उनकी है, उनकी ये भी वो भी उन्हीं की है, ठीक है जी। दुआ करें अल्लाह ताला हमारी भी परेशानी दूर करे। अब मस्जिद की तरफ चलते हैं, मस्जिद की सूरत आपसे शेयर करते हैं, और ये हमसाए घर बन रहा है, दुआ करें अल्लाह ताला इनका भी बन जाए, जल्दी से बन जाए, मुकम्मल हो जाए, और हमारे भी हमारे जल्द आ जाएंगे, हमें आसानी हो जाएगी, दूसरे का सहारा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ करीब मौके पे हम साया कोई भी नहीं है फिलहाल। आपके सामने ये ट्राली रेत की आ चुकी है, पहले एक ट्राली उतरी पड़ी है, वैसे टोटल 3 ट्रालियाँ होंगी रेत की। और ये रेत जो है ये बड़ी दूर से आई है, पहले जहाँ से आती रही है दरिया से आती रही है, और उनका कारोबार होता है जो लोग अपना ट्राली ट्रैक्टर बना के वहाँ से भराई करके जगह जगह जिन जिनको ज़रूरत होती है वो सेल करते हैं। और ये हमने भराई करवाई है बड़ी दूर से, दरिया से हट कर एक और जगह थी, तो किसी दौर में कहते हैं कि वहाँ दरिया चलता था, बहुत पुरानी बात है, कई सौ साल पहले तकरीबन। बहरहाल वहाँ पे रेत निकली, तो उधर से फिर मिस्त्री ने हमें बताया कि जगह है लेकिन दूर है, तो वो पैसे भी लेते। मैंने कहा कोई मसला नहीं, लेकिन मस्जिद का काम न रुके, क्योंकि दरिया में अभी पानी चल रहा है, तो उस वजह से जो है ना मसला बनेगा, लिहाजा हम चाहते हैं कि रेत आ जाए, क्योंकि सुबह यहाँ पर मशीनों ने आने भराई करानी है। पर ये रेत की ट्राली अपने ही मजदूर भेजे हैं यहाँ से, और उनको जो है ना अपना जो गाड़ी वाला है इसके पैसे अलग इसको देंगे, यानी इससे ज़रा हमें महंगी पड़ गई है, लेकिन यह है कि काम हम चाहते थे रुके ना, मस्जिद का ये ट्राली आ चुकी है आपके सामने। अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से मैं भी काम कर रहा हूँ साथ, कुछ हिस्सा हमारा भी डल जाए जितना हो सकता है। ये भाई के ना हाथ पे दूसरे पे मसला है, इसलिए वो एक हाथ से कर रहे हैं, अल्लाह इन्हें सुख दे शिफा दे। अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के घर का काम है, उसके लिए हमने ये सफ़ों की निशानदेही के लिए
ये पट्टी मंगवाई है मार्बल, ठीक है जी, ये देख रहे हैं। और इस बोरी में अलग पड़ी है, ये अलग पड़ी है, अंदर भी लगाएंगे बाहर भी लगाएंगे। ये मार्बल पट्टी मंगवाई है स्पेशली तौर पर अल्लाह की रजा के लिए, क्योंकि अल्लाह के घर का काम है, किसी और का नहीं। और इसमें रेट भी सही आपके सामने, और आज जो फाइनल हो जाएगा सुबह इंशाल्लाह भराई होगी, सुबह भराई होगी। दुआ करें कि मस्जिद का काम मुकम्मल हो, रुकावट ना बने, और इसकी मजदूरी वगैरह के हमें पैसों से हम इश्यू है, और इंशाल्लाह जैसे कैसे होगा इसको तो करवा लेंगे। बाकी लेटरिनें हमारी रह जाएंगी, वाशरूम टूटियाँ वो रह जाएंगी, क्योंकि पैसे हमारे पास जो बजट था वो तकरीबन कम्प्लीट हो चुका है। एक किस्म का ईंटें वाली पड़ी हैं, हमें एक ईंटों का ट्राला और चाहिए, यानी 10,000 का, और उसकी फिर मजदूरी भी, और जो जो काम होंगे बाकी वो आपको शेयर करते जाएंगे उसकी मजदूरी। लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि मस्जिद का जो अपना है, अपना जो वाशरूम है वो रह रहे हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि नमाजियों के लिए और यहाँ जो बच्चे कुरान पाक पढ़ने आएंगे उनके लिए वाशरूम नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि वाशरूम भी बन जाए साथ साथ, तो अच्छा था, लेकिन क्या है मजबूर है हम, बेबस जो हमारे पास फंड था, जो पैसे थे, हम उससे ये काम करवा रहे हैं। बाकी आगे अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से होगा, अल्लाह की रहमत से होगा। और जो बहन भाई इसमें हिस्सा डालना चाहें तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं, जो मटेरियल लेके देना चाहते हैं मटेरियल लेके दे दें, जो चीज़ दिल करे आपका, क्योंकि इसके दरवाजे भी हमें चाहिए, और जो है अपना दीगर जो काम शाम होना है उसकी मजदूरी वगैरह भी शामिल होगी, जो हमने आपको बताया वो भी बीच में शामिल है। आप हमारी वीडियो देख रहे थे, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर किसी और वीडियो में दोबारा मिलेंगे। दुआ में याद रखना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।